जब से वक्फ कानून में संशोधन की चर्चा शुरू हुई तब से कुछ लोगों में खलबली सी है। वो आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मस्जिद और कब्रिस्तान छीनने के नाम पर लोगों को सड़क पर आ जाने के लिए कह रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करने वालों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दो रोज पहले जेपीसी की बैठक के दौरान कुछ ऐसे ही आरोप लगे। इस सब के बीच सरकार ने फिर से दोहराया कि वक्फ पर नया कानून आएगा। गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद से फिर से यही प्रोवोक करने वाली पॉलिटिक्स, उकसाने वाली सियासत शुरू हो गई। देश में हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ये सारे मुसलमानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न। मैं तो ये कहूंगा कि हम मतलब ये लोग गृह युद्ध छेड़ना चाह रहे हैं। मस्जिदों को बचाने के लिए फिर उसके अलावा कोई चारा नहीं कि आदमी सड़क पे आ गए। बहुप्रतीक्षित वक्फ कानून पर बौखलाए मौलाना के शब्द शब्द में तलखी है, व्यवस्था को सीधे धमकी है, सरेआम सरकार को चुनौती है, समानांतर सिस्टम चलाने वाले मौलाना का आक्रोश कैमरों के सामने छलक रहा था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी तब क्रोधित थे जब देश के गृह मंत्री ने वक्फ कानून को लेकर अपनी प्रतिज्ञा फिर दोहराई है। और वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में खड़े अमित शाह वक्फ वाले ब्रह्मास्त्र से अपने उन सियासी शत्रुओं पर प्रहार कर रहे थे जिन पर वो तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं। शाह ने जैसे ही सीधे सीधे कहा कि वक्फ पर कानून बनेगा और पक्का बनेगा, वैसे ही मौलाना ब्रिगेड में खलबली मच गई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी कुछ यूं धमका रहा है सरकार को। पूरे देश में हालात बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि जिस जो मकसद लेकर के आ रहे हैं, जिस तरह बाबरी मस्जिद का एक फैसले ने सेकुलर पार्टियों को धरातल पे ला दिया था, इस एक एक्ट के जरिए ये सारे सेकुलर पार्टियों को खत्म कर देंगे और इनका रास्ता साफ हो जाएगा। ये जमीनों को कब्जा कर लेंगे, जितने वक्त की जमीनें हैं सब पे ये कब्जा कर लेंगे। मौलाना के आक्रोश के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वक्फ कानून आने से मस्जिदें छिन जाएंगी या फिर नए वक्फ कानून के नाम पर भ्रम, झूठ, अफवाह फैलाई जा रही है। क्योंकि धर्म निरपेक्षता के फिक्र तब कर रहे हैं एसएम यासीन जब वो धार्मिक संस्था पर अड़े हुए हैं, अदालती फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और हालात बहुत खराब, ये सारे मुसलमानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न, सारे मुसलमानों की। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों को होने जा रहा है, मजहबी एतबार से, धार्मिक लिहाज से और माली एतबार से। इनका जो मकसद है वो ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि हम मतलब ये लोग गृह युद्ध छेड़ना चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। ऐसी हिमा और कब्रिस्तान बचाने के नाम पर जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाई थी, उसका असर क्या हुआ वो भी जानिए। AIMPLB का दावा है कि उसके जरिए 3,84,00,000 मेल भेजे गए हैं, जबकि दूसरे मुस्लिम संगठन MURAC के जरिए 89,00,000 और अन्य के जरिए 95,00,000। कुल मिलाकर 5,68,00,000 लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। हालांकि इस JPC ने जो राय मांगी थी उससे इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर मुस्लिम कमेटियां भड़की हुई हैं। अदालतें सो रही हैं, जो भी लेके जा रहा लाओ भाई ले ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद डेट पे डेट पड़ रही है। अदालतें निष्पक्ष है, अदालतें निष्पक्ष है, अदालतें निष्पक्ष नहीं है।
वो फैसले दे रहे हैं, इंसाफ तो नहीं कर रहे हैं। अमित शाह के बयान पर जब मौलाना विरोध में खड़े हैं तब कांग्रेस भी सरकार पर नश्तर चला रही है, तो परोक्ष रूप से जवाब योगी आदित्यनाथ की ओर से भी आया। जब 303 सीटें थी तब क्यों नहीं लाए थे, अब जब उन्हें मालूम है कि हो नहीं पाएगा तो मूर्ख किसको बना रहे हैं? ये मूर्ख बना रहे हैं नागपुर वालों को, नागपुर वाले जानते हैं उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा, समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा। इन सियासी प्रहार और पलटवार के बीच दूसरी सच्चाई ये भी है कि मोदी राज में पहली बार जेपीसी बनी है, वो भी वक्फ के मसले पर ही। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में बनी जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी, जबकि 8 दिन बाद 30 अगस्त को जेपीसी ने दूसरी बार बैठक बुलाई थी। उसके बाद सितंबर में 5, 19 और 26 सितंबर को बैठक हुई, जिसमें अलग अलग मुस्लिम संगठन और जानकारों से राय मशवरा किया गया। 26 सितंबर को जेपीसी बैठक हुई थी, उसमें विवाद भी हो गए थे। आरोप है कि मुंबई में हुई बैठक में गुलशन फाउंडेशन के सदस्य इरफान अली परीजादे को धमकाया गया और काफिर तक कहा गया। असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर धमकाने और धार्मिक घृणा फैलाने का आरोप है, क्योंकि इरफान अली परीजादे ने वक्फ कानून का समर्थन किया था। ऐसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी नए वक्फ कानून के समर्थन में खड़े हैं। अगर भारत सरकार नया वक्फ संशोधन बिल लाती है तो मुसलमान इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि इससे भू माफियाओं का जो एक माया जाल है वो खत्म हो जाएगा। जो लोग वक्फ भू माफिया बने हैं या वक्फ बोर्डों से साठ गांठ करके वक्फ की जमीनों को कौड़ियों में लेकर के वहां पर शॉपिंग कंप्लेक्स खड़ा कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, डर और खौफ उनको है। या वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने आलीशान बिल्डिंगें बना ली हैं और ये कानून आने के बाद ये बिल्डिंग उनसे छीन ली जाएगी। इस समर्थन की वजह क्या है, उसे नए वक्फ कानून के बाद होने वाले बदलाव से समझिए। वक्फ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। वक्फ बोर्ड में राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसद होंगे। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्य रहेंगी। संशोधन के बाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में अपील की जा सकेगी। यही बदलाव एसएम यासीन जैसे मौलाना को अखर रहा है। झूठ, भ्रम, अफवाह फैलाई जा रही है। मस्जिद, मकबरा, कब्रिस्तान छिन जाने का डर फैलाया जा रहा है। बिल के खिलाफ मुसलमानों को सर धड़ की बाजी लगाने के बाद ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने की थी, तो सरवर चिश्ती ने मुसलमानों को सड़क पर उतरने की बात कही थी। अब इसमें अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी शामिल हो चुका है। जाहिर है कि वक्फ के नाम पर मौलाना ब्रिगेड एक्टिव है। अपना एकाधिकार खत्म होने के संकेत मिलते ही उसी भड़काऊ काम में लग गए हैं जो करते रहे हैं। यही वजह है कि गृह युद्ध की धमकी देने वाले मौलाना सवालों के चक्रव्यूह में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हटके का मोदी विरोध या मोदी फोबिया,